हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को बताए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे वेक्टर की फॉर्म में, और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी उससे आया है और मोस्टली स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखो भाई, अभी हमें फ्लक्स के ऊपर ही काम करना है, इसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब तक हम अपना फ्लक्स का काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक मैं आगे बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा। कम से कम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगी भाई, हाँ फ्लक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ये है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास में आज की क्लास में, हम उन्हें भी देखेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है स्टूडेंट। तो आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, नोट पॉइंट नंबर वन। स्टूडेंट नोट पॉइंट नंबर वन देखिए मुझे क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखिए। ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी बच्चों हमें गिवन दी है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक सिलेंड्रिकल बॉडी हमें गिवन दी गई है कुछ इस तरीके से। ये पूरी सिलेंड्रिकल बॉडी है बच्चों, ठीक है। देखो इसके बाद में इस तरफ दिया गया है एक्स एक्सिस और यहां दिया गया है वाई एक्सिस। हमें यह कहा कि भाई जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस से एंटर करता हुआ दूसरे सरफेस से बाहर निकलता है बच्चों। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस से एंटर करेगा और दूसरे सरफेस से बाहर निकलेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है कैपिटल ई। कैपिटल ई ये जो एरिया है स्टूडेंट, ये एरिया हम लोगों को दिया गया है कैपिटल ए, ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी, ये भी कैपिटल ए है, ये भी कैपिटल ए है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि भाई इस सिलेंड्रिकल बॉडी से टोटल फ्लक्स कितना पास आउट हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। भाई सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो लाइंस सिलेंडर के अंदर एंटर करने वाली हैं इन्हें हम इनकमिंग फ्लक्स का नाम देने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड इनकमिंग फ्लक्स। और जो लाइन सिलेंडर से बाहर निकलने वाली है उन्हें हम नाम देने वाले हैं आउटगोइंग फ्लक्स का। तो सबसे पहले हम इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो एक बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, सिलेंडर का जो सरफेस है जो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, यानी ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे है, इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे इस तरफ। ध्यान से जरा, इस पार्ट का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा बच्चों वो इस तरफ ड्रॉ होगा। अब आप एक बात देखो, सरफेस कैसे है, सरफेस ऐसे है, परपेंडिकुलर जाएगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, दोनों के बीच में स्टूडेंट 180 डिग्री का एंगल है। तो मैं कहूंगा जो इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू होगी वो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, ए यानी यहाँ का एरिया, जिस एरिए से लाइन एंटर कर रही है, हमें सिर्फ वो एरिया चाहिए बच्चों जहां से लाइन एंटर कर रही है, जिस पर मैं शेडिंग कर रहा हूं ना, सिर्फ यहां से लाइन एंटर कर रही है, तो यहां का एरिया हो गया है ए और एंगल हो चुका है कॉस 180 डिग्री। जानते हो कॉस 180 क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है। चलिए देखते हैं कि इनवर्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, कॉस 80 हो चुका है माइनस वन, सो इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस के ई ए। इक्वेशन नंबर वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनवर्ड और इनकमिंग फ्लक्स। इनवर्ड भी इसका नाम होता है और इनकमिंग भी इसका नाम होता है। ये इनवर्ड या इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू है बच्चों अपने पास में, ठीक है। आइए जानते हैं कि आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा। भाई एक बात देखो, इस सिलेंडर का जो ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे है, सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सिलेंडर का पोर्शन ऐसे है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। जब हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना बच्चों, तो परपेंडिकुलर भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। कैसे भाई, इधर का जो सरफेस था वो ऐसे था, परपेंडिकुलर ऐसे बना,
इधर का जो सरफेस है वो ऐसे है, परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की तरफ बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कभी आप सोचें कि सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर तो अंदर भी बन सकता है, नहीं, परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की तरफ बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो आउट गोइंग फ्लक्स हो जाएगा बच्चों हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कॉस जीरो। सो आउट गोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू प्लस ई ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई इक्वेशन नंबर वन है हमारे पास में इनकमिंग फ्लक्स माइनस ई ए, आउट गोइंग फ्लक्स है प्लस ई ए। और आप जानते हैं बच्चों जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउट गोइंग फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस ई ए एंटर कर रहा है, प्लस ई ए बाहर निकल रहा है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा जीरो। बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। क्वेश्चन पूछे जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आपको फिगर बनाकर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए टोटल फ्लक्स कितना है। फिगर बनाकर दे दिया, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है, बताइए कि टोटल फ्लक्स कितना है। तो कैसे बताएंगे हम टोटल फ्लक्स कितना है, भाई इधर से एंटर करेगा तो माइनस के ई ए, इधर से बाहर निकलेगा तो प्लस के ई ए, दोनों को जोड़ दिया तो आंसर आ गया जीरो। एक तरीका तो यह है क्वेश्चन पूछे जाने का। दूसरा तरीका स्टूडेंट यह है, क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट, फिगर बनाकर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्रूव करके बताइए बच्चों, प्रूव करके ये बताइए कि जो टोटल फ्लक्स होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, जितना फील्ड यहां से एंटर कर रहा है बच्चों बिल्कुल उतना ही फील्ड वहां से बाहर निकलेगा, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने किसी बॉडी को रख दिया तो वहां से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हम ये कहेंगे यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। एंटर करने वाला फ्लक्स होता है माइनस, नेगेटिव होता है। आगे से मैं बार बार आपको कॉस 180 नहीं दिखाऊंगा, आगे से जहां भी फ्लक्स एंटर कर रहा होगा ना मैं उसे माइनस में लूंगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल आपको ध्यान रखना है, आगे से जो भी फ्लक्स एंटर करेगा उसे माइनस में लिया जाएगा और जो फ्लक्स बाहर निकलेगा उसे प्लस में लिया जाएगा। तो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है माइनस के ई ए, बिल्कुल उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है प्लस ई ए, दोनों को ऐड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व एंड द टोटल फ्लक्स इज जीरो। ये दो तरीके हैं बच्चों क्वेश्चन को पूछे जाने के। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अभी हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास में। देखिए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्या है, देखो भाई ये दिया गया है एक्स एक्सिस, ये दिया गया है वाई एक्सिस और ये दिया गया है जेड एक्सिस, ठीक है। एक क्यूबिकल बॉडी हमारे पास में यहां रखी है बच्चों, ये पूरी क्यूबिकल बॉडी है कुछ ऐसे, थोड़ा ध्यान से जरा, क्यूबिकल बॉडी हमारे पास में यहां रखी है कुछ ऐसे, ठीक है। ये क्यूबिकल बॉडी यहां रखी है, हमें यह कहा गया बच्चों कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है बच्चों यहां से, ठीक है, इस वाले सरफेस से, थोड़ा ध्यान से, सिर्फ इस वाले सरफेस से, ओनली इस वाले सरफेस से, किसी और सरफेस की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, सिर्फ इस वाले सरफेस से, और इस वाले सरफेस से वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर निकल जाता है बच्चों, इस वाले सरफेस से वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर निकल जाता है। देखने से पता यह चलता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखने से पता ये चलता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई। क्वेश्चन ये दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमें दे रखा है एक क्यूब बच्चों, और क्यूब की साइड दे रखी है ए, ठीक।
तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहां से जो फ्लक्स एंटर करेगा उसे आप नाम दोगे इनकमिंग फ्लक्स। और मैं बार बार नहीं कहूंगा यार, देखो बता चुका हूं, याद रखना है आगे से, जो फ्लक्स एंटर करता है वो इनकमिंग है, वो हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस। क्यों होता है माइनस? क्योंकि फील्ड तो कर रहा है एंटर, ऐसे फील्ड एंटर कर रहा है। जब इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो परपेंडिकुलर जाएगा बाहर, ऐसे है ना सरफेस। अरे क्यूब का सरफेस ऐसे है भाई, फील्ड तो कर रहा है एंटर, परपेंडिकुलर जाएगा बाहर, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है ई, ये शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, यहाँ का एरिया कितना होगा, जरा ये देखो एरिया कितना होगा, ये वाली साइड कितनी है ए, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी ए, और ये वाली साइड भी कितनी होगी ए, ये वाली साइड भी ए होगी, ये वाली साइड भी होगी, क्योंकि ये क्यूब है बच्चों, क्यूब, तो ये साइड इंटू ये साइड, ये हो गया ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर वन, दिस इज कॉल्ड इनकमिंग फ्लक्स, ये हमारा इनकमिंग फ्लक्स कहलाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं आउटगोइंग फ्लक्स की। आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा? आउटगोइंग फ्लक्स स्टूडेंट जरा ये देखते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू होने वाली क्या है भाई हमारे सामने। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं बच्चों कि आउटगोइंग फ्लक्स नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। कितनी बार बता चुका हूं कि भैया जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव, जो अंदर आएगा वो नेगेटिव। ये बाहर निकल रहा है इसीलिए पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया बताओ कितना होगा। ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है इसका एरिया कितना होने वाला है? सेम क्यूब है तो ये वाली साइड भी ए होगी और ये वाली साइड भी ए होगी। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया निकल जाएगा भाई हमारे सामने लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि यहीं से फ्लक्स बाहर निकल रहा है। सिर्फ यही एरिया आपको लेना है, ये क्यूब है ना बच्चों, तो सिर्फ ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, यहां से एंटर कर रहा है यहां से बाहर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इनकमिंग प्लस आउटगोइंग एंड द आंसर इज जीरो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू हमारे पास में रहने वाली है बच्चों, वो रहने वाली है जीरो। कुछ इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो ये जो दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए बच्चों, इन दो एग्जाम्पल से आपको सीखने के लिए क्या मिलता है? तीन बातें आपको सीखने के लिए मिलती हैं बच्चों। वो तीन बातें क्या क्या है? नंबर वन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो उस पूरी बॉडी से जाने वाला फ्लक्स हमारा जीरो के बराबर होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट? दूसरा पॉइंट यह है, जरा बात को समझिएगा, दूसरा पॉइंट यह है कि इनकमिंग फ्लक्स लेना है ऑलवेज नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स लेना है ऑलवेज पॉजिटिव। और तीसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई आप एरिया से करते हैं ना बच्चों, यहां एरिया में सिर्फ वो पूरी बॉडी के एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है यार। पूरी बॉडी का एरिया कितना है, क्यों है, क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ उतने एरिए से है जहां से लाइन एंटर करेंगी या जहां से लाइन बाहर निकलेंगी बच्चों, हमें सिर्फ उतने एरिए से मतलब है। तो ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहां से तो एंटर कर रही है और इसका एरिया है ए स्क्वायर। इस ब्लू वाले पोर्शन से बाहर निकल रही है, इसका एरिया भी है ए स्क्वायर। दोनों को ऐड किया एंड द टोटल फ्लक्स इज जीरो। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, जल्दी से नोट डाउन करिए जो आप लोगों को बताया गया है बच्चों। ठीक है, सो स्टूडेंट नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। अब हम लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। चलिए देखो, ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है यार। फिगर आपके सामने है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने है, सब कुछ गिवन है। बस एक छोटी सी बात है, मैं आपको इस स्टार्टिंग क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले ही बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को दिया है इतना, एल्फा अंडर रूट एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हमें इस डायरेक्शन में दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है अल्फा अंडर रूट एक्स। अब आप एक बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में बताओ एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ये जो एक्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में बच्चों, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि ये ओरिजिन है, एक्स की ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है। जब मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स की वैल्यू वन रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी अल्फा। यानी जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। बच्चों अभी जो हम लोगों ने दो क्वेश्चन पीछे पढ़े वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने कैसे पता लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में एक्स आ रहा है और ये एक्स इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाना है बस इस बात पर आप लोगों को गौर करना है बच्चों। अब मुझे आप एक बात बताओ यार, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो लाइंस जो हैं वो यहाँ से एंटर करेंगे ऐसे, लाइंस यहाँ से एंटर करने वाली हैं ऐसे, बताओ करेंगे या नहीं करेंगे? इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से लाइंस एंटर करेंगे बच्चों, करेंगे इस वाले सरफेस से लाइन एंटर, और इस वाले सरफेस से यही लाइन बच्चों हमारी बाहर निकल जाएंगी, इस वाले सरफेस से यही लाइनें हमारी बाहर निकल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कहानी अपने पास में होने वाली है। तो जो लाइनें एंटर करेंगी उन्हें हम नाम देंगे इनकमिंग, और जो लाइनें बाहर निकलेंगी उन्हें हम नाम देंगे आउटगोइंग, और दोनों का जो सम रहेगा वो टोटल के बराबर रहेगा। अब तुम एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से अभी कहा कि ये जो एक्स है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे ओरिजिन से आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। सोचने वाली बात है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये वाला जो सरफेस है ये ओरिजिन के ज़्यादा नज़दीक है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इसका मतलब ये है इस वाले सरफेस के अंदर कम लाइनें एंटर कर रही हैं, कम लाइनें एंटर कर रही हैं। और ये वाला जो सरफेस है ये ओरिजिन से ज़्यादा दूर है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यानी लाइनें बाहर ज़्यादा निकल रही हैं। मैंने जब फ्लक्स की स्टार्टिंग की तो मैंने आपको बताया था लाइनें एंटर तो कर रही हैं कम, लेकिन निकल रही हैं बाहर ज़्यादा। लाइनें एंटर कम कर रही हैं, बाहर ज़्यादा निकल रही हैं। कैसे कैसे पता चला कि लाइनें एंटर कम कर रही हैं बाहर ज़्यादा निकल रही हैं? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। हमें कैसे पता वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक? हमने इक्वेशन को देखकर बताया, हमने ये कहा कि एक्स इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो ओरिजिन से जितना दूर होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा लाइनें बाहर निकलेंगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो कम लाइनें एंटर करेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं लिख देता हूँ कि फाई आउटकमिंग इज ग्रेटर देन फाई इनकमिंग। फाई आउट ज़्यादा है और फाई इन कम है। चलिए फाई इन की वैल्यू निकालते हैं कितनी होगी। माइनस, भाई सभी बच्चों को पता है ना माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स है, इसीलिए स्टूडेंट माइनस आया। फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई। देखो इसकी साइड क्या दे रखी है आपको बच्चों, इसकी साइड आपको दे रखी है ए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, और ये वाला एरिया हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हो गया है माइनस के ई इंटू ए स्क्वायर। समझने वाली बात है भाई, थोड़ा ध्यान से यार। माइनस के ई इंटू ए स्क्वायर, माइनस ई को क्या लिख सकते हो? अल्फा अंडर रूट एक्स और साथ में है ए स्क्वायर। अब यहाँ आती है मेन बात बच्चों, एक्स की जगह क्या लिखेंगे? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ इनकमिंग फ्लक्स का मतलब यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स ही तो निकाल रहे हैं ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि ये वाला जो सरफेस है ये ओरिजिन से कितना दूर है? देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा ए, ये दिख रहा है आप लोगों को ए। आप कहोगे कि ये वाला जो सरफेस है ये ओरिजिन से ए दूर है ना, ए दूर। तो इस वाले सरफेस की बात हो रही है ना बच्चों, तो आप एक काम करोगे एक्स की जगह ए पुट कर दोगे। सो इनकमिंग फ्लक्स माइनस के अल्फा अंडर रूट ए इंटू ए स्क्वायर। सो इनकमिंग फ्लक्स माइनस के अल्फा ए टू दी पावर 5/2, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। ये हमारे पास में इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू है बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनकमिंग फ्लक्स। ठीक है, देखो साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है,
ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की डायरेक्शन में है ना जेड की डायरेक्शन में है, इसीलिए वाई और जेड की डायरेक्शन में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं आउटगोइंग फ्लक्स, देखते हैं कि आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा। एक तो प्लस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, एरिया देखते हैं कितना होगा एरिया, भाई इसकी भी एक साइड कितनी है ए, तो ये एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो ये एरिया हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, ठीक है ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिखेंगे अल्फा अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर। अब देखो इनकमिंग फ्लक्स में हमने एक्स की जगह पुट किया था ए, क्यों हमने एक्स की जगह ए रखा था इनकमिंग में, क्योंकि ये वाला सरफेस ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर था, इसीलिए हमने एक्स की जगह ए पुट कर दिया था बच्चों। आउटगोइंग में दूसरे सरफेस की बात हो रही है, जरा बताइए कि जो दूसरे वाला सरफेस है वो ओरिजिन से कितना दूर है, वो वाला सरफेस ओरिजिन से भाई यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है ए, और ये डिस्टेंस क्या है ए, तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a। सो आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की जगह 2a और ये हो गया है ए स्क्वायर। सो आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए की पावर 1/2, ये अल्फा, अल्फा ये हो जाएगा ए की पावर 5/2। देखो बच्चों ये तो है हमारे पास में इनकमिंग फ्लक्स और ये है आउटगोइंग फ्लक्स, जीरो नहीं होगा इस बार क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, कम लाइनें एंटर कर रही हैं ज़्यादा लाइनें बाहर निकल रही हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है बच्चों। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स निकलेगा अपने पास में, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इनकमिंग प्लस आउटगोइंग, दोनों को ऐड करते हैं भाई, जब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन, अंदर बचेगा अंडर रूट 2-1। अगर आप पूरा आंसर निकाल कर अपना आंसर मैच करना चाहते हैं ना बच्चों, देखो अभी दूसरे वाला तो मत करना, आप दूसरे वाला इसलिए मत करना क्योंकि गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, हमें सिर्फ फ्लक्स निकालना है। अल्फा की वैल्यू है 800 यहां पुट करिएगा, ए की वैल्यू है 0.1 यहां पुट करिएगा, अंडर रूट 2 की वैल्यू रखिएगा, कैलकुलेट करिएगा, आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन से सीखने के लिए हमें यह मिलता है बच्चों कि अगर कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो वहां टोटल फ्लक्स जीरो नहीं होगा, वहां आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है। हमने यहां से देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स, जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यानी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मींस आउटगोइंग ज्यादा होगा इनकमिंग कम होगा, दोनों की वैल्यू निकालकर ऐड कर दिया, टोटल फ्लक्स हमारा कैलकुलेट हो गया है बच्चों। इसके जैसे हम कम से कम 3 सवाल बनाएंगे स्टूडेंट, एक हो चुका है 2 और बनाएंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। करिए आप लोग जल्दी से नोट डाउन। तो बच्चों नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। देखो पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोगों को बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे बताते हैं, जरा ध्यान से देखो भाई, एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ए एक्स, वाई की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, या जेड की डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है। तो मैंने एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया बच्चों ए एक्स, ए एक्स, दोबारा से फिर वही सिचुएशन आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पर तो जीरो होगा क्योंकि ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, और जैसे जैसे ओरिजिन से आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइनें जो एंटर करेंगी वो यहाँ से एंटर करेंगी भैया, लाइनें यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से लाइनें बाहर निकलेंगी, यहाँ से लाइनें बाहर निकलेंगी। डायग्राम को देखकर आप इस बात का पता लगा सकते हैं बच्चों कि कम लाइनें एंटर कर रही हैं और ज़्यादा लाइनें बाहर निकल रही हैं, लाइनें एंटर कम कर रही हैं बाहर ज़्यादा निकल रही हैं,
क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ चुका है, एक्स बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा, यहां और बढ़ चुका है, 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 यानी इस वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मिनिमम और दूसरे वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम बॉडी के अंदर। अगर मैं बॉडी के अंदर बात करूं, भाई क्यूब ऐसे रखा है, लाइनें इधर से एंटर कर रही हैं, दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है, तो यहाँ का जो फ्लक्स है वो है मिनिमम और वहाँ का जो फ्लक्स है वो है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों आंसर में कि आउट गोइंग फ्लक्स इज ग्रेटर देन ऑफ इनकमिंग फ्लक्स। आउट गोइंग फ्लक्स स्टूडेंट इनकमिंग फ्लक्स से ज़्यादा होने वाला है। आइए वैल्यू निकालते हैं कितनी होगी बच्चों। सबसे पहले हम इनकमिंग की वैल्यू निकालते हैं। क्यों भाई, इनकमिंग का साइन कैसा होता है कौन बताएगा मुझे? जो लाइनें एंटर करती हैं उन्हें कैसे ली जाती है? माइनस। क्यों ली जाती है माइनस? हर एक चीज़ का कारण आप लोगों को पता हो भाई, माइनस इसलिए ली जाती है, ये सरफेस है, दिख रहा होगा आपको सरफेस, ये सरफेस है, लाइनें ऐसे एंटर करेंगी, ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा बाहर, लाइनें एंटर करेंगी अंदर, परपेंडिकुलर जाएगा बाहर, एंगल बनेगा 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस 1, तो बार बार दिखाने की जरूरत है नहीं, हमने सीधा माइनस ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपको दे रखा है ए एक्स, एरिया हो जाएगा देखो 0.1 दे रखा है बच्चों, 0.1 तो एरिया हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 ये भी 0.1 और ये भी 0.1, क्योंकि ये 0.1 है, क्यूब है ना, तीनों साइड बराबर होंगे आपस में। एक्स की जगह क्या रखोगे बच्चों? एक्स की जगह रखा जाएगा ओरिजिन से लेकर पहले सरफेस तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस एक्स की जगह रखी जाएगी, बताओ कितनी है ये वाली डिस्टेंस? 0.1। सो इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स की जगह 0.1 और ये है 0.1 का होल स्क्वायर, तो माइनस के ए 0.1 की होल पावर 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ इनकमिंग फ्लक्स बच्चों, ये हमारा इनकमिंग फ्लक्स कहलाएगा स्टूडेंट। अब हम निकालते हैं आउट गोइंग फ्लक्स। सबसे पहली बात तो प्लस में होगा, क्योंकि लाइनें बाहर निकल रही हैं इसीलिए प्लस में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ए एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है ए एक्स। एरिया कितना होगा यहाँ का, जरा एरिया देखो, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होने वाला है भाई? ये एरिया होने वाला है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना होगा? ये वाली साइड भी 0.1 होगी स्टूडेंट, ये वाली साइड भी 0.1 होगी और ये वाली साइड भी 0.1 होगी, एरिया हो जाएगा अगेन 0.1 का स्क्वायर। इस बार एक्स को क्या लिखोगे बच्चों? एक्स को लिखोगे दूसरे वाले सरफेस की यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। इस वाले सरफेस की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस होगी एक्स की जगह? 0.1 ये, 0.1 ये, तो ये हो जाएगा आउटकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू ए 0.2 0.1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास में इनकमिंग है, वो हमारे पास में आउटगोइंग है और टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला रहेगा बच्चों इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। इसे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ए की वैल्यू भी आपको दे रखी है 500, बाकी सारी वैल्यूज हमने आपको बता दी हैं। ए की जगह 500 रखेंगे, ए की जगह 500 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी स्टूडेंट। कुछ ऐसे प्रॉब्लम को हम बनाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि दो क्वेश्चन करने के बाद में आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा इसे लेकर कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को कैसे काम करना है बच्चों। ठीक है, चलिए करिए फटाफट नोट, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन यानी एक्स की डायरेक्शन में होगा।
अब ये क्वेश्चन नहीं करना है, गॉस थ्योरम का सवाल है। चलिए ये वाली प्रॉब्लम बनाते हैं बच्चों, क्या होगी देखो भाई। बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन, जरा देखो यार ध्यान से, प्रॉब्लम कैसे बनने वाली है हमारे पास में। सो क्या कंडीशन है बच्चों, जरा देखो। ए स्क्वायर सरफेस विद साइड लेंथ 3.7 मिलीमीटर इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड। देखो भाई बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है 2400 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। और एज शो इन द फिगर द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल दिया गया है भाई हम लोगों को बच्चों 30 डिग्री गिवन है यहाँ पर, ये वाला एंगल 30 डिग्री है हमारे पास में। वॉट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, एंगल इतना है और साइड हमें दी गई है 3.7 मिलीमीटर, तो एरिया हमारे पास में हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले मैंने मिलीमीटर को मीटर में बदल दिया, मीटर स्क्वायर में एरिया निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, एंगल मेरे पास में इतना है बच्चों, ठीक है। तो भैया कैसे निकालोगे फ्लक्स, यार बिल्कुल आसान काम, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दे रखा है, एंगल तुम्हें दे रखा है, एरिया तुम्हें दे रखा है, तुम्हें दे रखा है कि ये सरफेस है, लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, परपेंडिकुलर ये है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दूसरी तरफ ये भी परपेंडिकुलर होगा बच्चों, ध्यान से, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें 30 डिग्री ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास में ये, परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही तरफ। फ्लक्स निकालने का तरीका बिल्कुल आसान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अब मैं नहीं करूँगा यार आगे, तुम ही सॉल्व करोगे, क्योंकि कुछ नहीं है, बहुत बेसिक और सीधा सीधा वैल्यू, मतलब सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया गिवन है, मैंने निकाल दिया साइड की मल्टीप्लाई साइड से करके, एंगल आप लोगों को गिवन है, सीधा वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। कुछ ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, कि और आप लोग बना भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, बस आज की क्लास हम लोग इतनी रखते हैं, घुटने में थोड़ी परेशानी है अभी, धीरे धीरे सही हो जाएगी, तो क्लास के टाइमिंग मैं आपकी इंक्रीज़ करूँगा। सैटरडे में आपका टेस्ट है, संडे में आप लोगों की एक डाउट क्लास होगी, थोड़ी बड़ी डाउट क्लास होगी इस बार, क्योंकि जितने भी डाउट्स हैं वेनसडे के भी और संडे के भी, वो हमें संडे में ही कवर करने हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ध्यान से करें। अभी जो मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सवाल बताए, उस पर एक दो प्रॉब्लम और है, और उसके तुरंत बाद हम लोग गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे बच्चों। गॉस थ्योरम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन में ही पूरा काम खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि छोटा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आप लोग अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करते रहें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर मेरे पास में सेंड करें, उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनका आंसर मेरे पास में सेंड करें आप लोग, बहुत ज़रूरी है बच्चों। दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आप लोगों के आ चुके हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बच्चों एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन ये है, देखिए हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन, इसका डिफॉल्ट सिस्टम है कि ये सिर्फ आप लोगों को सेफ्टी फैक्टर के तौर पर ओनली 10 डेज दे सकता है। आप सभी लोगों की फ़ीस 1 मई में सबमिट होनी थी बच्चों, लेकिन अभी 8 मई, आज 8 मई की क्लास है आप लोगों की, 8 दिन आप लोगों के एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो मैं सिर्फ रिमाइंडर आप लोगों को दे रहा हूं, यहां से भी रोज़ रिमाइंडर आप लोगों के पास में पहुंच रहा है। हम लोग भी उसके अंदर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को इनएक्टिव कर देगा आफ्टर 10 डेज, यानी 10 मई तक ही आप लोग एक्टिव रह पाएंगे विदाउट फीस। तो प्लीज़ आप लोग अपनी फीस सबमिट कराएँ और एक्टिव रहकर अपनी क्लास को आप कंटिन्यू रखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।